भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,264 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 90 लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नए स्ट्रेन को लेकर चेतावनी दी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा संक्रामक हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी बनने की बात एक मिथक सी लगती है। इसके लिए देश में 80% आबादी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप होनी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये पहले से ज्यादा खतरनाक वायरस है। उन्होंने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन संक्रमण से उबर चुके मरीजों पर भी दोबारा हमला कर सकता है, भले ही उनमें पहले से एंटीबॉडीज क्यों ना बन गई हो। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी का कहना है कि पूरे भारत में नए स्ट्रेन के 240 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के अलावा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच सवाल उठ रहा है कि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ क्या मौजूदा कोरोना वैक्सीन प्रभावी है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन प्रभावी होगी, लेकिन उसका इफेक्ट कम होगा। रेगुलर डेटा मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा कि क्या नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए वैक्सीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। इसके आधार पर ही आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीन में बदलाव किए जा सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।